हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4 एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द मेजर ऑफ टू ऑफ इट्स एंगल। पिछली वाली एक्सरसाइज जो हमने की है बेटा, उसमें क्या था, हमें दो साइड्स गिवन थी और उनके बीच का एंगल गिवन था। और इस वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, दो एंगल हमें गिवन है और जिस साइड पे वो दोनों एंगल बन रहे हैं, जो साइड इंक्लूडेड है उन दोनों एंगल्स के बीच में, वो साइड हमें गिवन होगी। इसको हम बोल देंगे ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं ये हमारी ट्राइंगल्स। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 10.4। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल बनानी है आपको, जिसमें एंगल A 60 डिग्री है, B 30 डिग्री है और AB जो साइड है वो 5.8 सेंटीमीटर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ स्केचिंग ड्रॉ करेंगे। AB 5.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। A पे आपका 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री का एंगल है और B पे आपका 30 डिग्री का एंगल है। थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएगा ये, इस तरह से ये 30 डिग्री का एंगल आपका बन गया। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह से मिला दोगे, तो इसको पॉइंट का नाम दे दोगे C। तो ये आपका रफ स्केच है। अब हम बनाते हैं ट्राइंगल ABC। 5.8 सेंटीमीटर पहले आपको एक ड्रॉ करनी है लाइन, 5.8 5 6 7 8 यहाँ पे है आपका, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली AB 5.8 सेंटीमीटर। अब आपको A पॉइंट पे क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कंपास ओपन करेंगे अपना कितना भी, उसके बाद इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे A पे भी और B पे भी, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पे एंगल्स बनाने हैं। और उतना ही आप खोले हुए कंपास क्या करेंगे, यहां से आर्क लगाएंगे, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल और इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब आपने B पे क्या करना है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का हाफ होगा, तो पहले आप क्या करोगे, इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये वाला 60 का हो जाएगा। अब आपने सेम उतना ही अपना कंपास ओपन रखना है। अब आप क्या करोगे, पहले इस वाली जो आपने आर्क लगाई है इस पर रख के आर्क लगाएंगे इस तरह से, और फिर AB पॉइंट पे जहाँ ये सेमी सर्कल बना हुआ है वहाँ से इस तरह से आर्क लगाएंगे, तो ये इन दोनों का हाफ हो जाएगा, सॉरी ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री उसका हाफ हो जाएगा ये, तो हाफ कितना होगा 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को B पॉइंट से मिलाते हुए हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम इस जहाँ ये हमारी A वाली लाइन को काटेगी इस यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे C। तो ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी बेटा ABC, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री, और ये वाला तीसरा एंगल आप मेजर करके देख लेना, ये 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये 60 प्लस 30 90 है, तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी इस तरह से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल PQR इज 105 एंड मेजर ऑफ एंगल QRP इज 40 डिग्री। ठीक है, आपको दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा डिफरेंट गिवन है बेटा। PQ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और PQR एंगल यानी कि Q पे जो एंगल बन रहा है वो है 105 डिग्रीज। इसको हम थोड़ा सा इधर बनाएंगे इस तरह से, ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा जो एंगल आपको R दे रखा है, बट आपको यहाँ पे कौन सा एंगल चाहिए, P एंगल चाहिए, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से P एंगल निकाल सकते हो अगर आपको Q और R एंगल गिवन है। P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब P एंगल आपको गिवन नहीं है, Q आपको कितना गिवन है 105 डिग्रीज और R जो है वो 40 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P जो है आपका यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको हम उस साइड ले जाएंगे ऐड करके 145 डिग्रीज, तो एंगल P की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 35 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे एक 30 डिग्री का एंगल बना देंगे और इस तरह से इनको लाइंस को मिला देंगे, ये यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल बना देंगे और ये जो एंगल बचेगा आपका ये होना चाहिए 40 डिग्रीज का। ठीक है, ये तो हमारा रफ स्केच था, अब हम ड्रॉ करते हैं इसका फिगर। देखिए, सबसे पहले आप PQ ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर,
दिस इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब आप 105 डिग्रीज का यहाँ पे क्यू पे बनाएंगे। ऑब्ट्यूस एंगल है, ध्यान रखें इस चीज़ का, ऑब्ट्यूस एंगल आपका राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो यहाँ देखिए आप 105 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 105 डिग्रीज। पी पे कितना है बेटा? 35 डिग्री हमने अभी फाइंड आउट किया है। पी पे हम 35 डिग्रीज का बनाएंगे। ये देखिए 30 और ये 5, ये है आपका 35 डिग्रीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और इस तरह से इस लाइन पे मिला देंगे पी क्यू, और इस पॉइंट को हम देंगे नाम आर, और ये है आपका 35 डिग्री और ये होगा आपका 40 डिग्री। तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई बेटा पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ दे रखी है और उस पर जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ई एंगल दे रखा है 110 डिग्री और एफ एंगल दे रखा है 80 डिग्रीज। जस्टिफाई योर आंसर। बट आपको इनको देख के ये बताना है कि ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले देखो बेटा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। एंगल जो डी है प्लस ई प्लस एफ, वो तीनों क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बट आप देखो, आपको जो एंगल ई गिवन है प्लस एंगल एफ गिवन है, उन दोनों का सम कितना बन रहा है? एंगल ई आपको 110 डिग्रीज दे रखा है और एंगल एफ जो है वो 80 डिग्री दे रखा है, तो इसका सम कितना आ गया? 190 डिग्री। एंगल ई प्लस एंगल एफ, सिर्फ दो एंगल ही आपके पास 190 डिग्री के आ गए, तो जो थर्ड एंगल है अगर वो भी ऐड कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हमारी तीन एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो इस केस में जो है हमारी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकती, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकती। देखो हम ड्रॉ करके भी देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ई एफ हम ड्रॉ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। ये है आपका ई एफ 7.2 सेंटीमीटर। अब ई पे हमने 110 डिग्री का एंगल बनाना है। ई पे हमें 110 डिग्रीज का एंगल बनाना है, ये इधर हमारा बनेगा 110 डिग्री, ठीक है। और एफ पे बेटा 80 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। ये है हमारा, ये 90 डिग्रीज है और ये है आपका 80 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा बन गया 80 डिग्री। अब बेटा आप देख सकते हो, अब हम इसको कितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। आप देखो ट्रायंगल कब बनता है, जब दो ऐसे लाइंस आके इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपकी इस तरह से जा रही हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जस्टिफाई और आंसर में क्या लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं हो रही, दो एंगल्स का सम आपका 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इस केस में हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। थैंक यू।